स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों की जो एसएससी जीडी की थी, ठीक है, वर्दी सीरीज जो हम लोगों की चल रही थी, उसी श्रृंखला में हम लोग आज देखेंगे। आज जो है हम लोगों की शिफ्ट 4 है और हमारा जो पेपर है कौन सा, 11 जनवरी का है। ठीक है, 11 जनवरी का है। लगभग हमारी 6 क्लासेस इससे पहले हो चुकी थी। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों की 8वीं क्लास 7वीं क्लास होगी। ठीक है, इसी क्लास को हम लोग देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। ठीक है, चलिए देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन पहला ही देखिएगा, यहाँ पर आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट का आ गया। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन जो है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, कहा जा रहा 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और एक वृत्ताकार मेज के परिता जो है मेज के केंद्र की ओर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 6। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मुख जो है किधर है, सभी का केंद्र की ओर है। ठीक है, पी जो है यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी जो है, ठीक है, पी जो है यू के दाईं ओर कैसा बैठा है, दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, पी जो है यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिएगा, अगर हम यू को यहाँ पर बैठा रहे हैं, यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, दायां बोलेगा तो इधर जाएंगे, ठीक, बाएं बोलेगा तो ऊपर जाएंगे, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। ठीक है, आगे देखिए, आर जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आर जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। ठीक है, आगे देखिए, एस और आर दोनों ही पी के बगल में हैं। एस और आर जो है दोनों ही किसके, पी के बगल में। अगर हम एस को यहाँ पर बैठा रहे हैं और आर को यहाँ पर बैठा रहे हैं, ठीक है, एस को अगर हम यहाँ पर बैठाएं, आर को हम यहाँ पर बैठाएं, तो देखिएगा पी के बगल में हो गई। अब ये वाला पॉइंट पढ़िएगा, आर जो है क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, आर जो है क्यू के दाईं ओर, अगर हम क्यू को लें यहाँ पर, लें क्यू को अगर हमने यहाँ पर लिया, यहाँ का दायां, तो 1 2 3 तीसरे स्थान, बिल्कुल सही बैठ गए सभी लोग। अब आपका कौन बचा हुआ है, यहाँ पर टी बचा हुआ है, तो टी कहाँ पर हमने, यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया क्यू और पी के बीच में कौन बैठा है, क्यू और पी के बीच में आपका कौन बैठा है, यहाँ पर एस बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पर, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेगा, पूछा जा रहा है फिर आपसे देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का यहाँ पर क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। देखिएगा, 6 उम्मीदवार आनंद बबलू चरण और दिनेश इमरान और फराद एक समूह में जो है चर्चा के लिए किसी वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, केंद्र की ओर मुख ना होकर बाहर की ओर है, ऐसे भी घुमा देता है, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, अब देखिएगा 6 उम्मीदवार हैं, वही 1 2 3 4 5 6 उम्मीदवार हो गए। ठीक है, दिनेश जो है इमरान और बालू के ठीक बगल में है, दिनेश जो है इमरान और बालू के ठीक बगल में है। अब देखिएगा, अगर हम दिनेश को यहाँ पर बैठाएं, दिनेश को अगर हम यहाँ पर बैठाएं, और ये किसके किसके बगल में है, इमरान और बालू के, तो इमरान को हमने यहाँ पर बैठाया, इमरान और इधर कौन बैठ गया, बालू बैठ गया। ठीक है, तो तीन लोग बैठ गए, जबकि जबकि चरण आनंद और फरहाद के बीच के ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, यदि फराद जो है बालू के दाईं ओर ठीक बगल में हो, अब यहाँ पे देखिए, फराद जो है वो बालू के दाईं ओर, तो बालू का दायां इधर होगा, यहाँ पर कौन बैठा है, फरहाद। ठीक है, अब ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लीजिएगा, जबकि चरण जो है आनंद और फरहाद के बीच में, तो चरण यहाँ पर हो गया और फरहाद, फरहाद जो है आपका यहाँ पर हो जाए, मुख इन सभी का केंद्र की ओर ही था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है दिनेश के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा, दिनेश का ये तो हो गया बायां, ये हो गया दायां, तो कौन बैठा है यहाँ पर, बालू बैठा है। ठीक है, यहाँ पर कौन बैठा है, बालू बैठा है। चलिए अगला पॉइंट समझिएगा, देखिएगा, जिस प्रकार 11, 20 और 341 में संबंध है, 25, 33 और
638 में संबंध है, उसी तरीके से आपको संबंध यहाँ पर पता करना। जब भी आपको ये छोटी संख्याएं दे रखी हूँ, ठीक है, जब भी आपको छोटी संख्याएं दे रखी हूँ तो जाहिर सी बात या तो उनको ऐड करके किसी संख्या से मल्टीप्लाई या फिर सब्ट्रैक्ट करके किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 11, 20, 341 में आपको संबंध देखना। तो यहाँ पर अगर हम लोग संबंध की बात करेंगे तो देखिएगा 10 वो 11 पहला पद और दूसरा पद, 11 और 20 कितना हो गया आपका 31 हो गया, ठीक है। 31 से देखिएगा कितना हुआ 341, तो देखिएगा कितने का गुणा हो रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11 का, 11 एकन 11 की एक हो गया, ठीक है, फिर आपकी कैरी एक और 11 3 33 और 1 34, बिल्कुल सही। ऐसे यहाँ पर देखिएगा 5 3 8 और 3 2 5 58 में कितने का 11 5 55 550 और 11 8 88, ठीक है, तो कहाँ कितना हो जाएगा 638। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शन देखना है, तो जब आप ऑप्शन देखेंगे देखिएगा यहाँ पर 625 अगर आप जोड़ के देखेंगे, 11 इंडिविजुअलिटी क्या होती है कि जो बीच में संख्या आ रही होगी दोनों को जोड़ कर आ रही होगी, जैसे 3 3 6 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 625 ही हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ जोड़ेगा 9 2 11 की एक, ठीक है, हाँ से लगी आपकी एक दो और एक तीन और एक चार में 41 में आपको 11 से गुणा कराना है, ठीक है, तो बीच में कितना आना चाहिए था देखिएगा 4 1 4 और 1 5, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, अब चलो लास्ट वाला यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग, 12 + 32 जोड़िएगा, 12 और 32 को जोड़ेंगे तो 4 3 और 1 4 44 हो गया, ठीक है, और 44 में 11 का गुणा हो जाएगा तो बीच में कितना 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही आपका यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ये इसमें ज़रूरी नहीं आपको जो पैटर्न दे रखा आपको जो है सारे दिमाग अपने यूज करने हैं, तीसरा नेत्र भी यहाँ पर खोल के रखना है, ठीक है, रीजनिंग में अगर आपको स्पीड लानी है तो देखिएगा। एक निश्चित कूटी भाषा में TRAVEL देखिएगा, तो सबसे पहला आपका ट्रैवल को क्या लिखा गया 156, इसी तरीके से प्रिजन को कितना 174 लिखा गया, तो आपसे आलमंड का पूछा गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे TRAVEL इसका कोड, तो देखिएगा 20 + 18 + 1 + 22 + 5 + 12, क्योंकि जब भी आपको संख्या दे रखी तो सबसे पहला आपका काम होगा अंकों का योग करना, ठीक है, जो भी आपके अल्फाबेट आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला दो, इसको दे दो 20 हो गया, ठीक है, 20 और 10 30, ठीक है, या ठीक है 30 और 20 50 और 20 70, ठीक है, और 8 कितना हो जाएगा 78, 78 हो गया, कितना हो गया 78। अब देखिए 78 का देखिएगा अगर आप 2 टाइम करें कितने का 2 का गुणा, तो देखिएगा 7 × 2 = 14 140 और 8 × 2 = 16, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 156 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो जो संख्या दे रखी है इसके अंकों का योग करके और इसमें मल्टीप्लाई कितने का कराना है हमें 2 का मल्टीप्लाई कराना, तो देखिएगा यहाँ पर ALMONDA, तो यहाँ पर देखिएगा 1 + 12 + 13 + 15 + 14 + 4, ठीक है। अगर यहाँ पर आप जोड़ेंगे देखिएगा 2 इसको दे दो 5 हो गया, 15 हो गया 15 15 30 30 और 10 40, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ 40 10 50 और आपका 5 55 और आपका 4, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 50 और 4 कितना हो जाएगा, वो सॉरी 55 और 4 कितना हो गया आपका 59 हो गया, ठीक है, 59 का कितना करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 5 × 2 = 10 सौ हो गया, 9 × 2 = 18, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आपका 118, 59 × 2 कितना हो जाएगा आपका 118 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न जो है आपका सीरीज का दे रखा है, ठीक है, सीरीज का प्रश्न है, देखिए जिस प्रकार 50 से आपका 60 हो गया, ठीक है, 50 से 60 हो गया, फिर आपका जो है 51 हुआ, फिर 62 हुआ, फिर 54 हुआ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सीरीज थोड़ा सा अगर आप दिमाग दौड़ाएंगे, देखिएगा 50 से कितना हुआ 51 एक छोड़कर, ठीक है, 51 से फिर देखिएगा कितना हो गया एक छोड़कर 54 हो गया, कितना बड़ा,
ठीक है, तीन बड़ा, फिर देखिएगा 54 से कितना हो गया आपका 59 हो गया, कितना बड़ा 5, अब कितना, पहले देखिए एक से कितना हुआ 3, 3 से कितना हुआ 5, अब कितना बढ़ेगा यहाँ पर 7 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 7, तो कितना हो जाएगा आपका 66, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है 66 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अगला देखिएगा आपका एनालॉगी का प्रश्न है, ठीक है, अगला जो है आपका एनालॉगी का प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, जिस प्रकार देखिएगा एक्सप्लेन को ई ए ई आई एल एन पी एक्स लिखा जाता है, तो यहाँ पर संबंध देखेंगे पहले, तो देखिएगा अगर आप संबंध देखेंगे ई एक्स पी एल ए आई एन, इसमें जब आप संबंध देखेंगे तो ए ई आई एल एन पी एक्स, इनमें रिलेशन देखिएगा क्या लग रहा है, तो सबसे पहले जब आप रिलेशन की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, रिलेशन को आपको यहाँ पर पता करना है, तो देखिएगा E आपका कितने पर आता है 5 पर आता है, X कितने पर आता है आपका, X आपका 24 पर आता है, P कितने पर आता है 16 पर आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो अल्फ़ावेट आपके ऊपर यूज हुए हैं, जो अल्फ़ावेट आपके ऊपर यूज हुए हैं वही सेम अल्फ़ावेट आपके यहाँ पर है, ठीक है, वही सेम आपके अल्फ़ावेट देखेगा नीचे है, ठीक है, अगर आप देखेंगे, देखेगा देखिएगा अगर यहाँ पर देखिएगा आप लोग ए ई, ए ई और आई, ए ई आई एल एन पी एक्स, अगर आप यहाँ पर देखेंगे बॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, ठीक है, बॉवेल्स और कॉन्सोनेंट का अगर रूल आप यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर ये क्या हो गया वी आपका बॉवेल, उसके बाद बॉवेल क्या है आपका ये हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, ठीक है, आई हो गया, तो सबसे पहले बॉवेल को इंग्लिश अल्फ़ावेट के अनुसार, फिर कॉन्सोनेंटों को इंग्लिश अल्फ़ावेट के अनुसार, तो यहाँ पर देखिएगा पहला बॉवेल ए, उसके बाद ई, तीसरा आपका आई, फिर अल्फ़ावेट देखेंगे, अल्फ़ावेट में सबसे छोटा यल है, फिर क्या है उससे बड़ा एन, फिर उसके बाद पी, उससे बड़ा एक्स, समझ आ गई बात, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो पी आर आई वी ए सी वाई, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका बॉवेल ए रहा, ठीक, उसके बाद देखेंगे आई रहा, ठीक है, ए और आई रहा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, ए के बाद आपका क्या आएगा आई आएगा, देखिए सार, अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपका कट हो गया, ठीक है, एक ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर आपका कट हो जाएगा, ए के बाद आई, उसके बाद आप पहुँचेंगे कहाँ पर कॉन्सोनेंट पर, तो फिर क्या है आपका सी, ए के बाद आई सी, ठीक है, फिर देखिएगा सी के बाद आपका क्या आता है पी आता है, पी के बाद क्या आता है आपका आर आता है, फिर वी आएगा, फिर वाई आएगा, तो देखिएगा आपका कौन सा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला रूल बहुत चल रहा है, इसको जो है आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे कि जो भी इंग्लिश अल्फ़ावेट में दे रखा है, ठीक है, उसको जो है आपका बॉबल्स और कॉन्सोनेंट का रूल लगा के, तो कॉन्सोनेंट को पहले लिया जाता है, उसके बाद बचे हुए बॉबल को जो है इंग्लिश अल्फ़ावेट के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा आपका, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, ब्लड रिलेशन का, देखिए ए हैज़ बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, तो ये सब दे रखा होगा, आप सीधे पॉइंट पर जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर पॉइंट पर जाएंगे, तो पॉइंट पर आप पहले पता करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा पहला आपका दे रखा है स्टार एम स्टार जी, इसका अर्थ क्या है, देखिएगा स्टार का अर्थ क्या, ए जो है किसका बी का पुत्र है, ए जो है किसका पुत्र है बी का, तो जी का ये एम कौन हो जाएगा पुत्र, जी का एम कौन हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, आगे देखिएगा एट द रेट, एट द रेट क्या बता रहा है, ए जो है वो किसकी बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, तो के की पुत्री कौन जी, ठीक है, तो आपके यहां पर देखिएगा के की ये कौन हो गई पुत्री,
के की पुत्री कौन हो गई? जी। अब ये इनके कौन पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकते हैं। फिर देखिए एट द रेट दे रखा है, तो ए एट द रेट वी का अर्थ क्या है? ए जो है किसकी? बी की पुत्री है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी की पुत्री कौन? के। देखिएगा बी की ये कौन हो गई? पुत्री के हो गई, ठीक है। फिर परसेंटेज देखिएगा, परसेंटेज जब आप देखेंगे तो परसेंटेज क्या होता है? ए जो है किसकी? बी की पत्नी। ए जो है किसकी? बी की पत्नी है, ठीक है। तो ए की पत्नी कौन? बी। देखिएगा ए की ये कौन हो गई? पत्नी, ठीक है। ए की ये कौन होगी? पत्नी। पत्नी की ये कौन है? पुत्री। तो ए की भी ये कौन हो गई? के पुत्री हो गई, ठीक है। अब देखिएगा आपसे ए और जी से पूछा गया है, तो बस यहीं तक रखिएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये कौन है? इनकी पत्नी है। पत्नी की ये कौन है? पुत्री। तो इनकी भी ये कौन हो गई? पुत्री हो गई, ठीक है। अब पुत्री के जे कौन है? पुत्री की ये कौन हो जाएगी? पुत्री, ठीक है। पुत्री की कौन है ये? पुत्री। तो आपसे पूछा जा रहा है ए जो है जी से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्री पुत्री आप नाते नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए जो है जी से पूछा, जी का ए कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? नाना, ठीक है। कौन हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों कौन है? पति पत्नी, ठीक है। इनकी ये कौन है? पुत्री। और पुत्री की ये कौन है? पुत्री जी, ठीक है। तो कौन हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। अगला देखिएगा आपका पेपर कटिंग, ठीक है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर, पेपर कटिंग का यहाँ पर क्वेश्चन है, तो देखिएगा, ठीक है। तो पेपर कटिंग देखिएगा, सबसे पहले आपका ये पूरा पेज था, ठीक है सर। ये जो था आपका पूरा पेज था, इसको पहले कहाँ पर देखिएगा? ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड किया गया, फिर इसको ये किया गया, ठीक है। और जब आप इसको पकड़कर ये खोलेंगे, इसको पकड़कर ये खोलेंगे, तो ज़ीरो जो है आपका ये तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। और जीरो जो है वो आपका कहाँ पर पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा। तो चारों कोनों में जो है जीरो जो है आपके कैसे रहेंगे? बाहर की ओर रहेंगे। इसमें देखिए अंदर बाहर की ओर है, ठीक है। एक ये अंदर है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, आगे बढ़िएगा। इसमें देखिएगा सारे कोने जो हैं कैसे हैं? एक तरफ हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, इसमें देखिएगा ये चारों हैं तो बाहर की ओर, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ी डॉट 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 यहाँ पर जो है बना देंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका फिर कौन सा है यहाँ पर? क्योंकि ये जो एरो भी आप देख सकते हैं वो सेम डायरेक्शन, ऐसा नहीं होगा। जब इसको ये खोलेंगे फिर इसको पकड़ कर ये खोलेंगे, तो ऊपर वाले दोनों कैसे हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे एरो। तो आपका कौन सा है यहाँ पर? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आ रही समझ में? चलिए अगला देखिएगा, फिर आपका सीरीज का क्वेश्चन है, फिर जो है आपका सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा सीरीज, तो सबसे पहले आप क्या कर लें? नंबरिंग कर लें, ठीक है। क्या कर लें? नंबरिंग कर लें, जिससे जो है आपकी थोड़ी इजी हो जाए। देखिएगा 24, 21, अब क्या आएगा पता नहीं हमें, 15, उसके बाद 12। अगर आप देखेंगे 15 से 12 हुआ, माइनस 3 हुआ, यहाँ पर देखिएगा 24 से 21 हुआ, माइनस 3 हुआ, अब यहाँ पर भी 21 से माइनस 3 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, ई से एच हो गया, ई से क्या हुआ? एच। यहाँ पर देखिएगा क्या हुआ है? प्लस 3 हुआ। ऐसे यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहें, 14 से 17 हो गया प्लस 3, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्लस 3। तो एच में कितना? प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? आर के बाद के हो जाएगा, आपके एक ऑप्शन कट गया। आगे बढ़िएगा, जे से कितना हो गया आपका? एम हो गया। जे से क्या हो गया? एम हो गया। कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया, ठीक है। अब एम में फिर 3 प्लस कर दो, एम आता आपका कितने पर? 13 पर। 13 में 3 जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका? 16, ठीक है। ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, बस खत्म। तो कौन सा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जरूरी पूरे करने में लगे पड़े हो, हमें बस आंसर से मतलब है। अगला देखिए आपका कथन और निष्कर्ष, देखिएगा कथन और निष्कर्ष में देखेंगे तो आपका कथन दे रखा क्या? सभी नोटबुक जो है वो कैसे हैं? गुलाबी हैं। जितने भी आपके नोटबुक हैं, जितने भी आपके नोटबुक हैं, सभी नोटबुक कैसे हैं? गुलाबी, ठीक है। आगे देखिएगा, सभी गुलाबी जो हैं वो क्या हैं? कमीचे हैं। जितने भी गुलाबी हैं वो क्या हैं? कमीचे हैं, ठीक। आगे बढ़िएगा, कुछ कमीचे क्या हैं? पतलून हैं। कुछ कमीचे क्या हैं? पतलून,
अब देखिए ये तो हमारी रियल बनी है, इमेजिनरी आप बना सकते हो तो इमेजिनरी इन तीनों को काट के बना सकते हो, ठीक है। इमेजिनरी अगर आप बनाना चाहो इन तीनों को काट के बना सकते हो। देखिएगा आगे, अब पहले इसमें बात कही जा रही है सभी पतलून नोटबुक हैं क्या, जितनी भी पतलून हैं वो क्या नोटबुक हैं क्या सभी, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हो सकती हैं सभी लेकिन नहीं हो सकती हैं, कुछ हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये बात कैसी कह दी इसने, गलत कह दी, ठीक है। कैसी बात कह दी, गलत बात। आगे देखिए, कुछ पतलून गुलाबी हैं, कुछ पतलून गुलाबी हैं क्या, तो यहाँ पर भी बात अगर हम इमेजिनरी बनाते तो हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, कुछ कमीचे पतलून हैं, तो ये भी बात कैसी हो गई, गलत, ठीक है। ये भी बात कैसी कह दी इसने, गलत बात कह दी, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों निष्कर्ष एक और दो अनुकरण नहीं करेंगे, तो आपका कौन सा, ना तो एक निष्कर्ष निकलेगा ना ही, अच्छा दोनों जगह पर एक एक लिखा, यहाँ पर सही कर लो, ना ही दो, ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला देखिएगा आपका जो है डिक्शनरी का क्वेश्चन। तो डिक्शनरी में जब आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला आपका काम होता है कि कॉमन देखना, ठीक है, कॉमन देखना जो सभी में कॉमन है, ठीक है, उसको क्या हटाएंगे, फिर देखेंगे कॉमन क्या। अगर आप यहाँ पर देखिएगा वी आर सभी में कॉमन, अब हम लोग देखेंगे तीसरा अल्फ़ाबेट, अच्छा अब हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे तीसरा अल्फ़ाबेट, तो देखिएगा तीसरा अल्फ़ाबेट यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है आपका ई है, ठीक है, और यहाँ पर तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है आपका ओ है, यहाँ पर तीसरा अल्फ़ाबेट क्या है आई है। तो इन सभी में अगर आप देखेंगे ई ओ आई ई ए में सबसे पहले आपका क्या आता है, ए आता है, ठीक है, डिक्शनरी में क्या आता है, ए आता है, तो दो ऑप्शन वैसे ही आपके क्या हो गए, कट हो गए। अब देखिएगा दो दो सभी में दोनों में है, अब देखिएगा तीन और एक में चेक कर लो, तीन और एक में, तीन और एक में चेक करिएगा, तो बी आर ई ए, बी आर ई ए देखिए सभी में कॉमन है, फिर यहाँ पर क्या है डी है और यहाँ पर क्या है के, तो डी और के में आपका क्या पहले आता है, डी पहले आता है, क्या आता पहले, तो दो के बाद आपका क्या हो जाएगा, दो के बाद एक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, बस डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो प्रस्तुत आकृति में कैसी अंतर नहीं, तो बट क्या शर्त लगा दिए, आपको घुमाने की अनुमति नहीं है कि आप घुमा नहीं सकते हो, ठीक। अगर आप देखिएगा पहला ऑप्शन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिएगा ट्रायंगल, देखिएगा आप अगर ट्रायंगल कहीं पे बनाना चाहें बन सकता है क्या आपका ट्रायंगल, अगर आप देखेंगे ट्रायंगल बन तो रहा है, ये देखिएगा ट्रायंगल बन तो रहा है, लेकिन आपके ये वाले जो सर्किल है और ये वाले सर्किल, ये वाली लाइन आपकी पूरी नहीं जुड़ी है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये वाली जो लाइन थी ये ऊपर से नहीं पूरी जुड़ी थी, ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ से कट हो गया। अगला देखिएगा आपका ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन देखेंगे, अब आपको स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है, अगर आप स्क्वायर ये वाला ढूंढेंगे तो इधर की देखिएगा यहाँ पर, अब अच्छा ये वाला स्क्वायर देख लो, अंदर वाला ये वाला जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है थोड़ी बाहर की ओर, जबकि यहाँ पर जो है बिल्कुल आपकी जो है कैसी दे रखी है, जहाँ पर लाइन है वहीं पर ऐड करके, जबकि इसमें कैसी है बाहर की ओर है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अगला देखिएगा प्रश्न, अगला आपका है तीसरा ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन, तो सी नंबर जब आप ऑप्शन देखेंगे, देखिएगा ठीक है सी नंबर, देखिए ये वाला कट यहाँ पर रहा, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है, और ये वाले भी देखिए आपके क्रॉस में मैच कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कौन सा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, जब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा जा रहा है जिस प्रकार आपको जो है यहाँ पर 112-44 दे रखा है, और आपको क्या डिवाइड, पहला ऑप्शन क्या है डिवाइड, अब देखिए डिवाइड हम जब ही हटा सकते हैं जब पास वाली संख्या जो है डिवाइड से
मतलब हट रही हो। अब देखिएगा यहाँ पहला आपका ऑप्शन है डिवाइड और माइनस, पहला ऑप्शन क्या है डिवाइड और माइनस, डिवाइड ये रहा माइनस ये रहा, तो पास वाली संख्या क्या हो जाएगी विभाजित हो सकती है, तो इसलिए पहला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर 112 डिवाइड आ जाएगा यहाँ पर 14 और डिवाइड की जगह माइनस 40 प्लस 8 गुणा 12, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 112 बटे कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं 14 8, ठीक है, यानी 8 टाइम, तो 8 माइनस 14 प्लस यहाँ पर देखिएगा 8 का 12 में करेंगे कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 96, अब देखिएगा 96 और आपको कितना यहाँ पर ऐड करना है 8, ठीक है। तो 8 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कितना करना है 14, तो कितना हो जाएगा आपका 64, बिल्कुल सही आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला जो है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है, तो मिरर इमेज में जो आपकी इमेज जो है मिरर के पास में, लेकिन अब यहाँ पर जो है दर्पण जो है आपका मिरर कहाँ पर लगा है नीचे लगा हुआ, नीचे जब भी लगा होता है तो आपका कौन सी इमेज बनती है वाटर इमेज, ठीक है। मिरर जब भी नीचे या ऊपर लगा हो तो आपकी क्या बन जाती है वाटर इमेज, वही आपको जो है यहाँ पर लगानी है। चलिए भाई यक्स देखिएगा, यक्स ठीक है, यक्स जब आप इसको पलटेंगे तो यक्स ऐसा रहेगा, सी भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा, लेकिन इसमें सी कैसा दे दिया उल्टा, तो ये ऑप्शन हट गया। उसके बाद डब्लू पर पहुंचेगा, डब्लू तीनों में सही है, ठीक है। फिर जब आप वी पर पहुंचेंगे, वी पर वी को पकड़कर जब आप कहां पर ऊपर से नीचे की ओर पलटेंगे तो ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसमें बी सीधी दे रखी। उसके बाद फाइव पर पहुंचेगा, फाइव को पकड़कर ऊपर से कहां लाना है नीचे, ऊपर से नीचे, जबकि इसमें फाइव उल्टा दिया तो ये भी ऑप्शन कट हो गया। तो आपका कौन सा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा अगला फिर आपका जो है सीरीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज़ का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो जब भी नॉन वर्बल सीरीज़ का क्वेश्चन मिले तो आप एक पॉइंट को पढ़िए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले में एक डायग्राम, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, पाँच में पाँच, छठे में आपका कितने होंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई अब देखिएगा, पहले आपका क्रॉस यहाँ पर था, यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया, दूसरे में तीसरे में यहाँ पर पहुँच गया, चौथे में आपका यहाँ पर, पांचवें में फिर यहाँ पर, छठे में क्रॉस नीचे आएगा, तो ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो, ठीक है। छठे में क्रॉस कहाँ आएगा नीचे आएगा, फिर अगला पकड़ लीजिएगा किसी को भी, ठीक है। पहले अगर आप देखेंगे स्टार देखेंगे, ये वाला स्टार, ठीक है, स्टार यहाँ पर था, यहाँ से फिर आपका बीच में गया, ठीक है, बीच से फिर यहाँ पर गया स्टार, ठीक है, फिर स्टार यहाँ पर गया, अब स्टार कहाँ पर होगा, ठीक है, आपका फिर बीच में आ जाएगा, स्टार कहाँ पर आ जाएगा आपका फिर से जो है बीच में आ जाएगा, तो इसमें भी बीच में है, यहाँ पर भी बीच में। अब अगला पकड़िएगा, अगर आप इसको पकड़ेंगे ये डार्क पॉइंट को, ये पहले यहाँ पर था, यहाँ से फिर यहाँ गया, तीसरे में यहाँ पर गया, और चौथे में कहाँ आएगा यहाँ पर आएगा, इसमें भी दे रखा है, ठीक है, हाँ। तो देखिएगा ये गेम चलता है। फिर आप अगर ट्रायंगल को पकड़ेंगे, ठीक है, ट्रायंगल अगर ये सारे जो है क्लॉकवाइज चल रहे थे, ट्रायंगल अब यहाँ पर था, अब कहाँ पर पहुँचेगा यहाँ पर पहुँचेगा, वो भी है यहाँ पर। अब बात करते हैं अगला टर्म, ठीक है, अगला टर्म जो हो जाएगा आपका कोई नया बढ़ेगा, तो नया कहाँ से ऊपर से बढ़ रहा था, ठीक है, तो कौन सा आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखिए आपका कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एक निश्चित कूटी भाषा में ब्रेव को कितना लिखा गया 48, ब्रेव को कितना लिखा गया 48 लिखा गया। तो आप एकदम समझ जाइएगा कि जो भी अल्फाबेट होंगे वो क्या नंबर कोड किए गए होंगे, क्योंकि छोटा नंबर देखा वी आर ए वी ई, इसका कोड कितना दे रखा है 48, जोड़िएगा 5 प्लस 22 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 2, तो यहाँ पर देखिएगा 20, ठीक है, और 20 और आपके 20 40 हो जाएंगे, और 2 42 और 5 47 और 1 48 अंकों का क्या कर दिया गया योग। इसी तरीके से आपको वेक्टर पूछा वी आई सी टी ओ आर, तो देखिएगा 18 15 20 3 9 प्लस 22, ठीक, जोड़िएगा। अब देखिए 2 इसको दे दो, 20 ये 20 ये, देखो 40 हो गए। आगे बढ़िएगा 40 और 20 आपका 60 हो गया, ठीक है, 60 और 10
आपका 70 और 10 80 और 4 84 और 3, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रश्न, तो जब भी आपको अल्फ़ाबेट से नंबर दे रखा हो छोटा नंबर, तो आप हमेशा जो है ऐड करिएगा, अगर मल्टीपल में है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ए से क्या हो गया आपका ई हो गया, सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, ए से क्या हो गया ई हो गया, फिर देखिएगा आगे ई से फिर हमें आगे का पता नहीं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर नंबरिंग कर लीजिएगा। तो देखिएगा पहले अल्फ़ाबेट के साथ एक से कितना हो गया 5 हो गया, देखिएगा कितना प्लस हुआ 4, ऐसे यहाँ पर देखिएगा एम 13 पर आता है 17 हो गया, कितना प्लस हुआ 4, तो यहाँ पर भी 5 में 4 प्लस कर देंगे, आई से आपकी शुरुआत हो जाएगी, आई सभी ऑप्शन में है। आगे देखिएगा के आपका 11 पर आता है, एन कितने पर आता है 14, 11 से कितना हो गया आपका 14 हो गया, 11 से कितना हो गया आपका 14 हो गया है, तो कितना प्लस हुआ यहाँ पर 3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा 14 में जब आप प्लस करेंगे 3 को, ठीक है, 14 में आप जब प्लस करेंगे 3 को, 14 3 17 पर क्या आता है आपका Q आता है। ठीक है, एक ऑप्शन कट हो गया। आगे देखिएगा 5 से 7 हो गया, 5 से 7, फिर 7 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अगला देखिएगा आपका परसेंटेज यहाँ पर लगा दिया गया है, परसेंटेज यहाँ पर लगा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब परसेंटेज देखेंगे, अब इन परसेंटेजों के स्थान पर आपको ऑप्शन वाइज इसको जो है फिल करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर पहला लेंगे ऑप्शन, ठीक है, कौन सा आपका ऑप्शन पहला लेना है, ठीक है, पहला जब लेंगे तो देखिएगा 48 और 48 फिर आपका क्या है डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 5 माइनस 4। अब देखिए एक लाना है, जब यहाँ पर देखिएगा 12 चौको 4 बार 5 चौको 20 हो गया, एक तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, अगला ऑप्शन देखिएगा 48 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 5 इंटू 4। ठीक है, तो देखिएगा आपका कितना 4 टाइम हो जाएगा 5 4 जा 20 और इधर भी 5 4 जा 20, तो वी इज द राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वी ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा फिर जो है आपका एनालॉगी का है, तो एनालॉगी का यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहला आपका काम होगा इसको नंबरिंग करना, तो नंबरिंग आप कर सकते हैं डी जो है यहाँ पर, चलिए डी डब्ल्यू ओ एन, इसको लिखा जाता है वी के सी एल, वी के सी एल के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखेगा, अगर आप यहां पर देखेंगे तो डी, डी का अपोजिट क्या होता है बताइएगा, देख अगर आप ऐसे करिएगा, देख डी में एक प्लस करिएगा क्या हो गया आपका ई हो गया, और ई का अपोजिट क्या होता है V होता, ऐसे देखिएगा E O O में जब आप एक प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा आपका, O में एक प्लस करेंगे P, और P का अपोजिट क्या होता है आपका K होता है, ऐसे W W में एक प्लस करेंगे X, ठीक है, और X का अपोजिट क्या होता है C होता है, इसी तरीके से N N में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा आपका O, और O का अपोजिट क्या होता है L होता है। ठीक है, देखिए कितने आपके लेवल जो है मेंटेन किया गया है यहाँ पर, तो देखिएगा एच ओ एम ई, इन सभी में पहले क्या करना है आपको एक एक प्लस करना, तो एच में एक प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। ठीक है, एल में एक प्लस कर, ओ में एक प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा पी, एम में एन, ई में एफ, अब इनका क्या करना है अपोजिट, इनका क्या किया गया अपोजिट। ठीक है, आई का अपोजिट क्या है आर, और आर देखिएगा केवल एक ही ऑप्शन में है, अगर आप चेक करना चाहें कर सकते हैं, पी का अपोजिट के, एन का एम और यू का एफ का यू हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला देखिएगा आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शिफ्ट का, और यहाँ पर आपसे 20 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिएगा फिर से सीरीज दे रखी, तो देखिए 23 से 24 हुआ है, हो सकता है एक प्लस हुआ हो, फिर 24 से 50 हो गया हो, दो से मल्टीप्लाई, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के
तो 23 + 1 = 24, यहाँ पर देखिएगा 24 × 48 + 2 = 50, ठीक है, 50 कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा प्लस 3, अब कितना इसमें 4 का मल्टीप्लाई, तो आप 200 वैसे हो गया और 412, ठीक है, और आपका 4 और जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 616 हो जाएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों की जो है आपकी इस शिफ्ट जो फोर्थ शिफ्ट थी 11 जनवरी 2023 की, उसको समाप्त किया है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।